जी जी यूपी, जो हरियाणा से आप यूपी में, हाँ जी हाँ जी, जो योगी का शासन काल है, हाँ जी जी सर, हाँ योगी कैसे लगते हैं आपको? योगी बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं ऐसा तो बोल नहीं सकती, ऐसा कौन बेवकूफ है जो बोलेगा योगी अच्छे नहीं। शासन काल उनका कैसा? बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं पहले जब यूपी में मैंने शो किए हैं तो मैंने काफ़ी विवाद देखे हैं यूपी में, शो पर भी बहुत विवाद देखे हैं एटलीस्ट। लेकिन अब मैं जब यूपी में एंटर करती हूँ तो मुझे बड़ा सेफ फील होता है। तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा शासन काल। हरियाणा यूपी में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है सर, हर 25 किलोमीटर पे लैंग्वेज बदलती है, लोग बदलते हैं, मेंटलिटी बदलती है, खाना बदलता है, पहनावा बदलता है। तो आप कहीं भी चली जाइए, कोई भी बदलाव कहीं नहीं है। हर जगह अच्छे लोग भी हैं और हर जगह बुरे लोग भी हैं। आजकल जिस तरीके से देखा जाए कि लोगों के मनोरंजन के लिए स्टेज शो में या अश्लील डांस या अश्लील गाने को आप कैसे देखती है, आप इसको किसको जिम्मेदार मानती है? मैं नहीं, मैं इसमें किसी को कोई जिम्मेदार नहीं मानती। सबका अपना अपना काम है, सब अपने अपने काम को बखूबी निभाते हैं। मेरी जितने जिम्मेदारी है कि मुझे मेरी लिमिट पता है स्टेज पे, मैं अपने आप को लिमिट में रख के कैसे अपने आप को प्रेजेंट करती हूँ, वो मेरी जिम्मेदारी है। बाकियों का मैंने ठेका नहीं लिया। डांस आप जो डांस करती हैं, तो जैसे कोई क्लासिकल हो गया, कोई आप डांस हर जगह अलग है, आपका जो नृत्य होता है वो किस नाम से जाना, जिसको हम सर उसको फोक बोलते हैं। यस हरियाणा ही आप, ये प्रॉपर हरियाणवी फोक नहीं है, ये फोक है लेकिन ये सपना चौधरी वाला फोक है। नहीं, आप हरियाणा के आर्टिस्ट हैं और एक भोजपुरी को इतना रुचि ले रहे इसके पीछे? नहीं नहीं, भोजपुरी तो मैंने बोला ही नहीं मैं रुचि ले रही हूँ डांस में, भोजपुरी डांस में कभी रुचि नहीं ली। डांस ये आपका शौक था या फिर कैसे ये आपका पेशा बन गया, क्योंकि आपका एक सपना था पुलिस अफसर बनने के लिए, फिर आप डांस में कैसे? डांस में वही वाली बात, डेस्टिनी, जैसे भगवान की इच्छा। हरियाणा से आपने सफर शुरू किया, आज पूरे देश में आपका कला और डांस का डंका बज रहा है, इसके पीछे कितना आपको संघर्ष करना पड़ा? अब मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वही वाली बात है, जितनी आप मेहनत करो आपको ऑडियंस बैक में देती है। तो मुझे पब्लिक ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सराहा है, और मैं जो कुछ भी हूँ उसमें पूरा क्रेडिट या तो मेरी माँ को जाता है या पब्लिक को जाता है। जिस तरीके से तय करेंगे, नहीं नहीं फिलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ। जिस तरीके से देखा जाए कि जो लोग हैं आपके कला को लेकर दीवाने हैं और कलाकार से कई लोग जो है राजनीति में अच्छे पद पे आए, क्या आपको लगता है कि मुझे भी राजनीति में आना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कोई भी कलाकार 2-3% हो तो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कलाकार राजनीति नहीं कर सकते। और मेरा पर्सनली कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि एक आर्टिस्ट आर्टिस्ट ही रहता है, और मुझे जैसे सभी लोगों से प्यार है तो मैं उसको किसी भी तरीके से एक पॉलिटिक वे में नहीं लेके जा सकती। वीके न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।